मधुबनी जिला के बाबू बरही के वार्ड नंबर 1 में स्थित मझली पोखर में डूबने से 3 बच्ची क्रमशः सुधा कुमारी, ममता कुमारी और प्रीति कुमारी की दर्दनाक मौत हो गई है। यह तीनों बच्ची एक ही परिवार की बताई जा रही हैं। मधुबनी सदर अस्पताल में तीनों बच्चियों के शव को पोस्टमार्टम कराने साथ है जिला पार्षद जहांगीर ने बताया। आज रविवार होने के कारण गाँव में महिला लोग रविवारी पर्व करती है। पर्व रहने के कारण स्थानीय गाँव की महिलाएं मझली पोखर में स्नान करने के लिए जुटी थी। मधुबनी से किशोर कुमार की रिपोर्ट। नेशन 24 की ताजा खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल और बने रहें हमारे न्यूज चैनल नेशन 24 के साथ। नमस्कार। बताए भाई जी, जो 3 बच्ची नदी में डूबने से जो मौत हो गई है, घटनाक्रम के बारे में बताइए। आज सुबह लगभग 10 बजे हर रोज जैसे महिलाओं रविवारी करती रहती थी उसी तौर पर गई घर के बगल में पोखरा में स्नान करने, साथ में बच्ची भी गई थी। तो पोखरा में कुछ दूर जाने के बाद एक गड्ढा था, उसमें वो बच्ची को अंदाजा नहीं मिलने के कारण से 5 बच्चे वहां तक पहुंच चुके, जिसमें 2 लड़के बच चुके, 3 बच्चियां वहां गड्ढे में डूबने से उनकी मृत्यु हो चुकी। उनको तुरंत लाया गया बाबही PSC सदर हॉस्पिटल में, वहाँ उपचार के लिए डॉक्टर तैनात थे, लेकिन कुछ देर के बाद पता चला कि ये देहांत हो चुकी है। हाँ, इसके लिए हम लोग आज लेकर के यहाँ आए हैं। पोस्टमार्टम होगा, इनका जो क्रियाकलाप होगा वो भी होगा, सरकार के द्वारा जो 4 लाख रुपया दी जाएगी उसके लिए भी CO साहब तैयार हैं। हो सकता है जल्द ही जो भी लाभ होगी सरकार की तुरंत उस परिवार को मिलेगा। ये जो 3 बच्ची मरी है वो एक ही परिवार से थी क्या? हाँ, एक ही परिवार की बच्ची थी, एक ही परिवार के लोग गए भी थे नहाने के लिए पोखरा में। इन्हीं लोगों का सब परम पूर्वज का पोखरा है, छठ के पर्व भी उसी पोखरा में करते आए हुए हैं। उन लोग का बाध बोन खेती पथारी सारा चीज वहीं है, बराबर जाना आना रहता है। वो एक ऐतिहासिक पोखरा है, सारा कार्यक्रम वहाँ होता है, इसीलिए जो है घटना हुई। पोखरा का नाम बताइए, जगह का नाम। पोखर है, ये बाबू वही ग्राम पंचायत के 1 नंबर वार्ड है। पूर्व के जो उर्मिला देवी पति राम किशोर राय पूर्व मुखिया, उन्हीं के घर के बगल में ये मझली पोखर है, वार्ड नंबर 1 में पड़ता है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर अली, जिला परिषद सदस्य बाबू वही।